धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर नंबर 1 में स्थित एल्यूमिनियम कंपनी के पास एक बंद कंपनी में आज सुबह बड़ी संख्या में पुलिस के आला अधिकारी आईजी और धार एसपी सहित पीथमपुर तीनों थानों का पुलिस बल चेकिंग करने पहुंचा। हालांकि पुलिस को कुछ हाथ लगा नहीं। पुलिस का कहना है कि मुखबिर की सूचना पर हमने दबिश दी गई। आचार संहिता के चलते और उपचुनाव को मद्देनजर रखते हुए हमें गोपनीय सूचना मिली थी कि फैक्ट्री में कुछ अनलीगल वस्तुएं रखी है, दबिश दी गई। फिलहाल पॉइंट क्लियर नहीं हो पाया है, हम जांच कर रहे हैं। खुले तौर पर पुलिस कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी होना और आईजी और एसपी सहित आला अधिकारियों का सुबह सुबह फैक्ट्री में जाना और तफ्तीश करना इस बात की ओर इशारा करता है कि कोई न कोई बड़ा मामला ही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अधिकारी स्पष्ट तौर पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। पीथमपुर से संजय सुनगरा की रिपोर्ट। पटनावर विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए कुछ खाली बंद फैक्ट्री में कुछ लीगल वस्तुओं के बारे में जानकारी मिली थी, उसको सर्च किया गया कि कुछ नहीं। सर क्या किस तरह की सर इलीगल क्या जानकारी सर किस तरह की इलीगल जानकारी इलीगल के कुछ इलीगल चीज़ों के संग्रह की जानकारी आई। तो सर वो जो बंद पड़ा प्लांट था वो मान एल्यूमिनियम से ही रिलेटेड था सर, ऐसी कुछ जानकारी पता लगाया जा रहा है। सर आपका नाम और पता बताइए। तो मैं सिंह बघेल सी एसपी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।